नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टेस्टी। आज हम बनाएंगे आलू के गर्मा गर्म पकौड़े, प्याज के पकौड़े और साथ ही आलू के ही लच्छेदार पकौड़े। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 कप बेसन, स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, खाने का सोडा, धनिए की पत्तियाँ कुछ बारीक कटी हुई, अजवाइन और थोड़ी सी लाल मिर्च हमने ली है। तो मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक कुछ इस तरह लंबाई में कट कर लिया है। स्लाइसेस को हमने पानी में डिप करके रखा है ताकि काले न पड़ जाएं। और इन दो आलू से हम कुछ इस तरह के लच्छे तैयार करेंगे। अभी तो मैं पीलर से ही कुछ इस तरह बारीक बारीक पील कर रही हूँ। अगर आपके पास कुछ किचन टूल्स हो तो उससे भी आप इस तरह से पील कर सकते हैं, बहुत पतला लच्छे बनाएं। लंबाई में कुछ इस तरह होने चाहिए या फिर आप इस तरह भी आप बारीक पील कर सकते हो पीलर से। तो हम एक बाउल में बेसन लेते हैं, आलू के स्लाइसेस को हम पहले बनाएंगे, बाद में लच्छा पकोड़े और लास्ट में हम प्याज के पकोड़ों को बनाएंगे। एक्स्ट्रा बेसन भी लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे। तो बाउल में हम धीरे धीरे पानी ऐड करते हैं और मिक्सचर तैयार करते हैं। सभी सामग्री को हम इसी में ऐड करके फिर से अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि कोई लम्स ना रहे। थोड़ा पानी और ऐड करते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। तो 5-6 आलू के स्लाइसेस ही हम पानी से निकाल कर प्लेट में रखेंगे, अदरवाइज पानी से बाहर निकालने पर काले हो जाते हैं। तेल गरम हो चुका है। डो कुछ इस तरह से बनकर तैयार है मिक्सचर। अब एक्स्ट्रा बेसन को हम इस तरह निकाल कर हम कढ़ाई में डीप फ्राई करते हैं। सर्दियों का मौसम हो और ऊपर से बारिश, उसमें ऐसे गर्मा गर्म पकौड़े अगर मिल जाए चाय के साथ तो बात ही क्या है। सुनहरा होने तक पकौड़ों को हम डीप फ्राई करते हैं। अब हम आलू के लच्छों में थोड़ा सा बेसन का पेस्ट डालते हैं और कुछ इस तरह मिक्स करते हैं। थोड़ा सा और ऐड करते हैं, ज़्यादा ना डालें वरना आलू पानी छोड़ देते हैं। अब इस तरह हथेली हाथ की सहायता से राउंड राउंड हम लच्छेदार आलू के पकौड़ों को डीप फ्राई करते हैं। जिन्हें ग्रीन चटनी या लाल चटनी या टमाटो सॉस के साथ खाया जा सकता है, बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट होते हैं। सुनहरा होने तक हमने इन्हें डीप फ्राई कर लिया है। अब हम बचे हुए बेसन में हम प्याज को ऐड करते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा 2 टीस्पून बेसन सूखा ऐड करेंगे। प्याज को कुछ पैन में इस तरह हम फैलाते हैं। प्याज के ये पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट
टेस्टी होते हैं। सुनहरा होने तक हम इनको डीप फ्राई करते हैं। तो तैयार हैं प्याज के पकौड़े। चाहो तो आप छोटे छोटे इस तरह पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं प्याज के, और इन्हें भी सुनहरा होने तक हम डीप फ्राई करते हैं। हलवाई के जैसे पकौड़े आप घर में ही बनाइए, प्याज के, आलू के, आलू के लच्छेदार पकौड़े। क्रंची बने हुए पकौड़े बहुत ही टेस्टी। तो ये आलू के बिल्कुल लच्छेदार क्रंची पकौड़े जो कि खाने में है बहुत ही, ये है आलू के बहुत अच्छे अच्छी तरह पके हुए बिल्कुल बहुत ही सुंदर। तो आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हमेशा ईट हेल्दी, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।